मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा सीट दूसरी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां जातिगत वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीता जाता है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक लंबे समय से एक ही जाति लोधी पर दाव खेलती आ रही हैं, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच कटनी जिले से किन्नर दुर्गा मौसी ने भी दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है, या यूं कहें कि अब राजनीतिक सफर में थर्ड जेंडर ने भी अपनी ताल ठोक दी है। अपना नामांकन दाखिल करने दमो कलेक्ट्रेट पहुंची दुर्गा मौसी। जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने बताया कि बदलती राजनीति की तस्वीर के चलते अब हमें भी राजनीति में उतरना पड़ रहा है। अब यहाँ की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं को हम तन मन धन से जनता की सेवा की करने के लिए हम आज नामांकन लिए हैं। कल हमारा नामांकन यहाँ पर जमा होगा और मैं जनता के सेवा के लिए अपने तन मन धन से तत्पर रहूँगी। लोक सेवा करने की इच्छा है, चाहत है और है भी, क्योंकि मैं सरपंच रह चुकी हूँ 7 साल तक। अब इसके बाद मैं अभी जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में। मैं चाह रही हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम उनके हर एक समस्याओं को हल कराने में बड़ा भारी योगदान मेरा होगा और जनता को बहुत राहत मिलेगी। हमें जिता करके हमें कोई लालच नहीं है और न हम कोई भ्रष्ट नेता हैं, न दागी हैं। हम यही चाह रहे हैं कि साफ नेता चुन करके जनता लाए बैठाए, ताकि उनके सुचारू रूप से कोई भी कार्य रुक ना सके जनता के और होते ही रहें। हम दमोह जिला इसलिए चुने हैं कि जनता की मांग है, इसलिए हम दमोह जिला से ही लड़ रहे हैं। हमारे भी साथी यहाँ पर हैं, बहुत सारे हैं और जिस प्रकार हम चुनाव लड़ रही हूँ समझो वो ही हैं। तो एक तो हमारा एक घर परिवार होता है किन्नरों का, उससे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप यहाँ की हो कि वहाँ की। हमारा तो पूरा संसार ही पूरा परिवार है, घर है, खानदान है, सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ हमारे।